सर्वधर्म संभाव की भावना को जगाते हुए शहर में मुहर्रम पर आस्थापूर्वक मनाया गया। मुहर्रम का पर्व आज अनेक स्थानों पर भक्तिभाव एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुहर्रम के उपलक्ष्य में निकाले जाने वाले ताजिए, सवारियां और जुलूस जेल में मौजूद पवित्र दरगाह तक पहुंचे। आज शासन और प्रशासन के लोग भी इस दरगाह पर पहुंचकर चादर चढ़ाई एवं अमन शांति की प्रार्थना की। त्यौहारों की तरह विधिवत पूजा के पवित्र कहे जाने वाले मीठे जल को ग्रहण किया। इस मौके पर महापौर अंजलि घोटेकर, जिलाधीश डॉक्टर कुणाल खेमनार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी, अतिरिक्त जिलाधीश सचिन कलंत्रे, SDPO नायक, जेल अधीक्षक डॉक्टर भाईदास ढोले, शांतता समिति के साधारण खत्री सैयद रमजान अली दानो एवं मौलाना आदि मौजूद थे। इस मौके पर जिलाधीश डॉक्टर कुणाल खेमनार ने अपना विचार व्यक्त किया। आज मुहर्रम सणानिमित्त आपल्या जेलमधला हा गौणकालीन दरगा सगळ्यांच्या भाविकांच्या दर्शनासाठी 2 दिवसांसाठी ओपन करण्यात आलेला आहे। अतिशय चांगल्या प्रकारची व्यवस्था दर्शनासाठी, अतिशय व्यवस्थित सुरक्षेमध्ये दर्शन व्हावं या दृष्टीने चांगली व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। ह्या वर्षी महिलांच्या दर्शनासाठी देखील वेगळी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। चालताना पेवमेंट ब्लॉकची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। एवं मौलाना ने इस दिन का विशेष महत्व बताया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज मुहर्रमुल हराम की नवी तारीख चंद्रपुर सेंट्रल जेल के अंदर हजरत मखदूम शहाबुद्दीन शाह उर्फ गैबी शाह वली की दरगाह पाक पर तमाम जायरीन के लिए फूल और चादर चढ़ाने के लिए और हजरत मखदूम शहाबुद्दीन शाह गैबी शाह वली दरबार के कुएं का पानी के लिए तमाम लोगों के लिए खोल दिया जाता है। और खोलने के बाद यहाँ के लोग आते हैं और अपनी नेक और जायज़ तमन्नाएँ मांग कर इस दरबार से फैज़ पा करके जाते हैं। जो बे औलाद है उन्हें औलाद दिया जाता है, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर इस दरबार से किया जाता है। मखदूम शहाबुद्दीन शाह का रूहानी फैज ऐसा है कि जो साल में एक दिन बढ़ता है, जो लाखों लाख की तादाद में लोग शरीक होते हैं और अपने रूहानी फैज से मालामाल होकर अपने घर को जाते हैं और इस दरबार के कुएं का पानी जो लेकर जाते हैं एक साल तक रखते हैं और अपने नेक और जायज़ तमन्ना नियत करके वो पानी पीते हैं तो हर बीमारी से उसे शफा मिलता है, परेशानियां दूर होती है, उनकी मुसीबतें आसान होता है। जो अगर कोई भी किसी के कारोबार से परेशान हाल है और इस दरबार में आकर फूल और चादर पेश करता है तो मखदूम गैबी शाह वली के सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला उनकी हर मुसीबत और परेशानियों को दूर फरमाता है। सभी लोगों से इल्तिमास और गुजारिश है कि इस दरबार में अल्लाह के वली के दरबार में आएँ और अपने अकीदत का फूल चढ़ाकर अपनी नेक और जायज़ तमन्नाएँ पूरी करें। ये करीब 250 वर्षों से जेल में उर्स की परंपरा निभाई जा रही है। इस पावन जगह पर महाराष्ट्र ने तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के भी भक्त आते हैं। सिटी परिवार की ओर से भी आज के पावन दिन पर बाबा से सभी के लिए दुआ प्रार्थना की जा रही कि हर तरफ अमन चैन भाईचारा शांति हो।